ये है दिल्ली दर्पण। निकाली गई हनुमान जयंती यात्रा को अब दिल्ली पुलिस ने रोक लिया है और बैरिकेड लगा दिया है। आप तस्वीरें देखिए, बैरिकेड के उस तरफ आपको दिल्ली के जो स्पेशल सीपी हैं वो नजर आएंगे। इसके अलावा दिल्ली के जितने भी वरीय पदाधिकारी हैं वो यहां पर कूच कर गए हैं। आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से जो दिल्ली के स्पेशल सीपी वो हैं यहां पर मौजूद। इसके अलावा वाटर कैनन और वज्र वाहन को भी अब यहां पर मंगा लिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री बीजेपी नेता कपिल मिश्रा यहां पर पहुंचे तो उन लोगों ने साफ तौर पर ये मैसेज देने की कोशिश की कि चाहे दिल्ली पुलिस मुझे कितना भी रोके हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहां पर देखिए कि पूरे जो दंगा निरोधक बल है, इसके अलावा जो रैपिड फोर्स है या रैप और सैफ के जवान हैं उसको भी बुला लिया गया है। जो वाहने हैं वो भी यहां पर आ गई हैं। दिल्ली पुलिस के कई वरीय अधिकारी जो स्पेशल सीपी हैं वो भी यहां पर हैं। वज्र वाहन को ला दिया गया है। इसके अलावा जो आंसू गैस के गोले हैं वो भी दिल्ली पुलिस लेकर पहुंची है। वाटर कैनन है कि यदि ये कार्यकर्ता आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो सीधे तौर पर उनके ऊपर जो है वो अब वाटर कैनन से प्रहार किया जा सकता है। और बैरिकेड के मैं बताना चाहूँगा कि बैरिकेड के बिल्कुल नज़दीक ये विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता अब पहुँच गए हैं और जो पुलिस है वो रोकने की कोशिश कर रही है। दिल्ली के स्पेशल सीपी लगातार यहाँ पर कूच कर रहे हैं और अगर जहाँ तक आप नज़र डालेंगे वहाँ तक आपको भीड़ ही भीड़ नज़र आएगी, क्योंकि ये जो जहांगीरपुरी का इलाका है ये काफ़ी संवेदनशील माना जाता है और यहाँ पर जो निकलने वाली हनुमान जयंती शोभा यात्रा है उस पर भी दिल्ली और दिल्ली पुलिस की नज़र रहती है। को जवाब मिल गया होगा, इस यात्रा रुकने वाली नहीं है। इस यात्रा के जरिए कोई संदेश देने की भी कोशिश है और यात्रा के रुकने से उत्साह का संदेश है। भगवान राम और हनुमान जी के जीवन से सीख ले, पालन करें। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ बॉबी मिश्रा, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर